दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस हादसे की जो राजस्थान में घटी है। जी हाँ, राजस्थान में जिस तरह से इस घटना को, इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उस बीच लगातार एक्शन का इंतजार किया जा रहा है कि उस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। हालांकि सीएम अशोक गहलोत हाथ धो बैठ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं कि वो इस पर ज्यादा ध्यान दे। हालांकि खुद मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसी बीच उस शख्स के साथ हुए इस हादसे के बीच अब उन गुनेगारों को पकड़ लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी गुस्सा फूट रहा है, जहां विवेक अग्निहोत्री, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, उसी के साथ अनुपम खेर है, उसी के साथ कंगना रनौत है, जो बड़े बड़े अब इस पर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और अपने निराशाजनक ट्वीट्स भी कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, उससे ऐसा लग रहा है कि हमें गुमनाम रहना होगा, हमें अपना नाम छुपाना होगा। एक हिंदू होना, एक हिंदुत्व होना, या अपने आप को हिंदुत्व होकर कुछ अपनी बातें रखना, वो उन सब चीजों से हमें गुमनाम रहना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। वही अनुपम खेर है, निराशा करके एक उन्होंने ट्वीट किया, हॉरिबल बताया, इस चीज को लेकर काफी सदमे में है। वही कंगना रनौत लिखती हैं, जहां कंगना रनौत नुपुर शर्मा को लेकर लगातार उनकी तरफदारी कर रही थी, लगातार कह रही थी कि नुपुर शर्मा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, वो कह सकती है, अपनी बात रख सकती हैं। तो इसी बीच इस हादसे पर, जो कि हादसा नुपुर शर्मा को लेकर ही हुआ है, कंगना रनौत ने अपनी टिप्पणी दी और कहा है कि जिस तरह से उन लोगों ने हिम्मत जुटाकर इस वीडियो को बनाया, इस वीडियो को शेयर किया, सोशल मीडिया पर डाला है, और उसके बाद ये सब कुछ देखकर मैं नहीं देख पा रही वीडियो और सुन हूं, पूरी तरीके से शॉक्ड है बॉलीवुड इंडस्ट्री। आज राजस्थान में जिस तरह से ये हादसा हुआ है, इस हादसे को अंजाम दिया गया है, इस हादसे के बाद लगातार सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नहीं, बल्कि हर कोई सुन है, परेशान है, शॉक्ड है। हालांकि राजस्थान में उस जगह पर हाई अलर्ट, रेड अलर्ट लग चुका है। रेड अलर्ट के साथ साथ 144वां पर एक्शन एक्ट जो है वो लागू हो चुका है, और इसी के साथ 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी वहां पर बंद हो चुका है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा विवाद को लेकर लगातार उन आरोपियों के मन में एक आग थी उस शख्स को मारने की। वो ये वजह थी कि उस शख्स ने कुछ ही दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट को शेयर करने के बाद उन आरोपियों ने लगातार उसको धमकी देनी शुरू कर दी। हालांकि उस शख्स ने पुलिस के पास जाकर इस बारे में बताया भी कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसने अपनी दुकान भी बंद रखी, लेकिन फिर भी उसको सिक्योरिटी नहीं मिली। जब उस शख्स ने हार मान के दुकान खोली ली, तो उसी दिन उन दो शख्स ने आकर उस बेगुनाह की जान ले ली, जिस तरह से उसके साथ इस बड़े हादसे को अंजाम दिया। देखने को मिल रहा है, लगातार वीडियो सामने आ रही है, जहां पूरा परिवार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, उस शख्स के लिए न्याय मांगता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको न्याय मिले। आज राजस्थान सरकार ने जिस तरह से इस चीज को साइड में रखा है, इस केस को साइड में रखा है, कड़े एक्शन लेने में टाइम लगा रही है, कहीं ना कहीं जनता उस पर बोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।